ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में भोलेनाथ का एक नाम लिखें। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। भारत के सभी पर्वों में दीपावली का सर्वोत्तम महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी पूजन करने पर अगली दीपावली तक के लिए लक्ष्मी कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ शास्त्रों में बताए गए उपायों से भी बहुत जल्दी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए 51 उपाय यहाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो 51 उपायों में से टॉप 10 है वो बताने वाला हूँ। आप इन्हें करके बहुत हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर में सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता, ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर ऐसे दीपक को लगा सकते हैं। किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें, सभी चावल पूर्ण होना चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़िया भी रखी जाती है। ये कौड़िया पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियों को खत्म की जा सकती है। लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ भी साथ में रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन को रखा हुआ है। दोस्तों, दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। दीपावली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान जरूर करें। इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष, काल सर्प दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करने के लिए की स्थिति में लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। दोस्तों, आपके घर के आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात में किया जा सकता है। ध्यान रखिए, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौटाएं, वापस पलटकर ना देखें। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन करते समय एक थोड़ा सा घी का दीपक जलाएं। इसमें 9 बत्तियां लगा सकते हैं और सभी 9 बत्तियों को लक्ष्मी जी की पूजन 9 बत्तियों से लक्ष्मी जी का पूजन आप करें। दोस्तों, दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीजों पर पूजा करें और जो आपकी कमाई के साधन है उन सभी की आप पूजा करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।